जाना ही था तो दशहरे के बाद चली जाती। त्योहार में तो लोग अपने घर वापस आते, और ये भारत भ्रमण के लिए चली गई। त्योहार में पता है कि कितने काम होते हैं, सारे काम अब मुझे अकेले कोई करने पड़ रहे। किंजल और बाकी तो कोई काम की नहीं है। बा, जब आपको पता है कि कोई नहीं कर रहा तो फिर आपको भी ये सब को छोड़ देना चाहिए ना। टाइम के साथ आपको भी बदलना चाहिए बा। समय बदलते ही संस्कार नहीं बदलते। बा प्लीज, कोई काम सिर्फ इसीलिए करना क्योंकि हम सदियों से करते आए हैं, really doesn't make any sense। हमें अपनी कन्वीनियंस भी देखनी चाहिए। जब हम बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं तो फिर क्यों घर पे बना के ऐसे टाइम और एफर्ट वेस्ट करना हमें? जब मैं मर जाऊंगी ना तब बाहर से खाना मंगाना और खाना। अभी मेरे हाथ का खाना खा लो, ये तो ये स्वाद के लिए तरस जाओगे। बाप लड्डू बना रही है, चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूं। ये देखो, मम्मी ने एक और अनुपमा तैयार कर दी। जहां तक मुझे याद है, एक टाइम पे आपको भी सब छोटी अनुपमाएं कहते थे। छोटी अनुपमा एक स्कैम। आज मैं पछता रही हूं, कल तुम भी पछताओगी। मम्मा कैब बुक कर ली? हाँ बुक कर ली है, बस आई रही होगी। देखो तुम दोनों माँ बेटी मटक मटक के कहाँ जा रही हो? पार्लर जाना है, ईशु को फेशियल करवाना है। मम्मा लेट्स गो। अरे कब से पूछ रही हूँ बताओ, इतने पैसे तुम लोगों के पास कहाँ से आए? अरे बा, आजकल इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इवेंट्स अटेंड करने के लिए। ईशु को भी मिलते होंगे, लेकिन ये लोग कभी बताते नहीं है ताकि घर में पैसे ना देने पड़े। हाँ मिलते हैं पैसे, लेकिन मेकअप, ड्रेस, हेयर स्टाइलिस्ट, स्टाइलिस्ट, इन सब पे स्पेंड भी हो जाता है। और क्या, फिर आने जाने के लिए कैब भी बुक करनी पड़ती है। सारा खर्चा मिला के 500 रुपए भी नहीं बचते बा। अगर 500 रुपए भी नहीं बच रहे तो फिर इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? आराम से घर पे बैठो, ताकि घर पे बैठ के ईशु भी आपकी बेटी की तरफ खाती रहे। आप भी जॉब करती है, अच्छे खासे पैसे कमाती है, लेकिन आज तक इस घर में आपने एक चवन्नी दी है? तोशु देता है ना। वाओ, वैसे तो आपको मेरे भाई से हजारों इश्यूज हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो तोशु भाई देंगे। तोशु दे या मैं दूं, दे तो रहे ना। तुम माँ बेटी ने एक भी चवन्नी दी है घर में? बस करो बस। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो इतना अच्छा घर में कमा रहे हो फिर भी अनुपमा पे बोझ बने हो। तुमसे तो अनुपमा अच्छी जो इस उम्र में इतने लोगों को पाल रही है। वो चाहती ना तो तुम लोगों की तरह अपने पैसे बचा सकती थी। बस घर में कई ऐसे लोग हैं जो फ्री में रह रहे हैं, जब सबके सब पैसे देने लग जाए ना तब आप मुझे बोलिएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।